उज्जैन में 4 से 10 तारीख तक पंडित प्रदीप मिश्रा की विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले भक्तों के लिए सिंधु सेवा समिति ने मैजिक और ई रिक्शा की व्यवस्था की है। शुरुआत में 6 वाहनों से श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक निःशुल्क छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन में किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। पहले दिन करीब 4,00,000 श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में कथा सुनने पहुंचे। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी में समाज सेवी महेश सितलानी ने भी कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था की है। सिंधी कॉलोनी के वरुण देव की प्रतिमा से प्रतिदिन 6 मैजिक और ई रिक्शा का संचालन श्रद्धालुओं को छोड़ने और लाने के लिए किया जाएगा। पहले दिन समाज के लोगों ने मिलकर निशुल्क वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने जाएंगे। क्या व्यवस्था करी है? मैजिक की व्यवस्था करी है, निःशुल्क तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है आने वाले श्रद्धालुओं का। देखिए, एक भव्य आयोजन पंडित प्रेम प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यहाँ किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे सिंधी कॉलोनी आसपास के क्षेत्र भी वहाँ सुगमता से पहुँच सकें, इस हेतु हमने जो है 5 जो है मैजिक आज से प्रारंभ की है, और यदि इस प्रकार की व्यवस्था आगे लगेगी तो और इसको बढ़ाएंगे। ये सब निःशुल्क रहेगा? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। समाज सेवी महेश सितलानी ने बताया कि महाकाल की नगरी में जरूरतमंदों के लिए जितना करो उतना कम है। हमने क्षेत्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आने पर जाने की व्यवस्था की गई है। अभी 6 गाड़ियों की शुरुआत की गई है। 5 सिद्धि कॉलोनी और महाकाल सिंधी कॉलोनी से शुरुआत की है। जरूरत पड़ने पर वाहनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।